लड़कियों तुम्हारे लिए एक योजना है, लाडो प्रोत्साहन योजना। कौन सी है? पता नहीं सरकार कितनी योजना चलाएगी। पहले एक योजना थी, वो थी राजश्री योजना। कौन सी थी? फिर सरकार ने कहा आप चलाएंगे हम लाडो प्रोत्साहन योजना। राजश्री योजना करी थी, 6 किस्तों में रुपए देंगे 50,000। कितने देंगे? सरकार ने कहा नहीं, अब हम देंगे 1 लाख। कितने देंगे? 1 लाख। एक साल, वो बच्चे के जन्म से लेके 21 साल तक। बच्चे के जन्म से लेके एक जन्म हुआ तब हम आपको 2500 रुपए पकड़ा देंगे। कितने पकड़ा देंगे? फिर 1 साल की हो और आप उसके टिक्के लगवा दें। यदि टिक्के नहीं लगवाए तो आगे नहीं मिलेंगे रुपए। यदि आपने टिक्के लगवा दिए तो हम आपको और दे देंगे 2500 रुपए। कितने रुपए और दे देंगे? 2500 रुपए। ऐसे करके 7 किस्तों में देंगे। कितनी किस्तों में देंगे? वो 5वीं करेगी, 6ठी में आएगी तब हम देंगे, वो 10th करेगी तब हम देंगे, वो 12th करेगी तब हम देंगे, और बाद में जब वो 21 की होगी तब हम देंगे। बाकी वाले जो सारे रुपए हैं वो तो घर वालों के खाते में पहुंचेंगे, पर 21 की हो जाएगी तब उसके खुद के खाते में दिए जाएंगे। तो इसमें है भी आगे कैसे कैसे, तो ये है। कारण क्या है? ताकि कन्यावध जैसी जो चीजें उन पे क्या लगाई जा सके, रोक। बालिका के जन्म को लोग बुरा नहीं मान, वरना लोग आजकल बुरा तो नहीं मानते, पर आजकल वैसे है। पहले तो यह था लोग वास्तव में बुरा ही मान जाया करते थे, यार गलत हो गया हमारे साथ। आजकल पर कोई बंदा यूं किसी को फोन करता है, हाँ क्या समाचार है? अगला कहता है अरे घर में लक्ष्मी आई है। तो अगला कहता है अच्छी बात है, लड़कियां भी अच्छी होती है। ऐसा नहीं सोचना आपने। अरे नहीं सोच रहा अगला, तू सोच रहा है यार इस बारे में, है ना? तो हम करते तो अभी भी ऐसा ही है। तो सरकार कहती है सुधरो रे, थोड़े थोड़े सही करो इस मामले को। तो लाडो प्रोत्साहन योजना है, कौन चला रही है? महिला एवं बाल विकास वही चलाएगा। महिलाओं का मामला भी, बच्ची का मामला भी, तो महिला एवं बाल विकास क्यों? तो बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक सोच, उनका उचित पालन पोषण, भाई इसलिए 21 साल तक दे रहे हैं कि पालन पोषण भी ढंग से किया जाए, उनका शिक्षा दी जाए उनको। फिर इसको संस्थागत प्रसव हॉस्पिटल वगैरह में, ताकि एक खूब साल तक अपने, ये भी बड़ी समस्या रही थी। मैं कहता हूं पिछली पीढ़ी में आप हर परिवार की कहानी सुनोगे कि किसी ना किसी महिला की डिलीवरी में डेथ हो गई, क्योंकि हॉस्पिटल वाला ये रिवाज था नहीं, घर में डिलीवरी करवाया करते, उनमें कोई ना कोई यदि दिक्कत आ गई तो बाद में या तो बच्चे की डेथ हो जाती या माँ की डेथ हो जाती। आप पुरानी फिल्में देख लो ना सारी, उन सब के अंदर इस प्रकार के डायलॉग मिलेंगे, एक कोई बचाया जा सकता है। आप बताइए किसको बचाया जाए? सब ऐसे, या तो माँ को बचाया जा सकता है या संतान को बचाया जा सकता है, तो वही चीजें वहां करती थी। अब सरकार का यह भी है कि उन्होंने कहा गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर डिलीवरी होनी चाहिए, या फिर हम जो बताएं हमारी योजना के तहत जो प्राइवेट हॉस्पिटल उनमें होनी चाहिए, ताकि जो संस्थागत प्रसव है उनको भी क्या मिले, थोड़ा बढ़ावा मिले। शिशु मृत्यु दर में क्या है, कमी आए। उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन मिले। बाल विवाह में भी क्या है, कमी है। 21 साल तक उसको मिल रहे हैं तब तक बाल विवाह वगैरह ना हो। प्रावधान क्या है, पात्र परिवारों को बालिका के जन्म से 21 वर्ष तक 7 किस्तों में 1 लाख रुपए। कितने किस्तों में? बालिका का जन्म राजकीय चिकित्सा संस्थान में होना चाहिए या जननी सुरक्षा योजना, कौन सी योजना, उसके तहत कोई हॉस्पिटल उसमें लिखे हुए ये हॉस्पिटल हम मान्य है, उन हॉस्पिटल में किसी में होता है तो हम कर सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में। और बालिका की माँ राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। यदि राजस्थान से बाहर की महिला है तो उसको हम 1 लाख रुपए देंगे। ये लड़को इसलिए किया गया ताकि आप बाहर जाओ 1 लाख रुपए के लालच में, क्या पता ये रिजो। इसलिए कहा गया कि बालिका की जो माँ है वो भी कहाँ की होनी चाहिए, राजस्थान की। इसलिए अपने बॉर्डर स्टेट में जाने की आवश्यकता राजस्थान में, तभी अपने कितने रुपए मिलेंगे, 1 लाख। कहां से कहां तक? बच्चे के जन्म से लेके 21 साल। कितने रुपए मिलेंगे, कितने किस्तों में, कौन सा डिपार्टमेंट चला रहा है? बच्चे का जो जन्म है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होना चाहिए या जननी सुरक्षा योजना के तहत पंजीकृत कोई हॉस्पिटल है उसके अंदर होना चाहिए, तभी हम देंगे, वरना नहीं देंगे आपको। और बालिका की माँ है वो कहाँ की होनी चाहिए, राजस्थान की होनी चाहिए। शुरुआती 6 किस्तें अभिभावक के खाते में आएगी, 7वीं किस्त सीधी किसके खाते में आएगी, लाडो खुद लेगी 7वीं। 6 तक लाडो की मम्मी पापा लेंगे, 7वीं किस्त को दी जाएगी। लिखा देखो इन्होंने, पहली किस्त में जन्म के समय कितने रुपए देंगे, फिर आपको 2500 देंगे जब आप 1 वर्ष की आयु पर, 7वें क्या लगना चाहिए। आप ये नहीं, आप सोच लो कि गांव में क्या लड़कियों के लिए कहते हैं कि भाई ने तो गोई रोई को निखा, कि लड़कियां जल्दी से मरेगी, और वैसे भी महिलाओं की औसत आयु पुरुषों से क्या है, तो उसमें कह ही देते हैं अरे भाई को कुछ ही नहीं होगा। तो घर वाले सोच ले कि लड़कियों के टीके लगवाने की आवश्यकता, क्योंकि भाई ने तो गोई रोई को निखा, इनको तो कुछ भी होगा नहीं, गोयरा खा सकता उसको, उसके भी कुछ हो सकता है, इसलिए आपको क्या लगवाने पड़ेंगे, और टीके लगवाए तब आपको अगली किस्त कितने रुपए आ जाएगी।
फिर वो जब पहली क्लास में जाएगी तब कितने रुपए दे देंगे, फिर छठी क्लास में जाएगी तब, फिर दसवीं कर लेगी तब, या दसवीं में जाएगी तब, फिर बारहवीं में 25,000। अब देखो यहां तक 50,000 रुपए हुए, फिर सातवीं लड़ोगे खुद के खाते में कितनी आएगी, कितनी आएगी, तो कितनी किस्तों में, जन्म होते ही टीके लगते ही एक साल के होते, पहली क्लास में, बाद छठी क्लास में, दसवीं क्लास में, क्लास दसवीं रुपए 11,000 है ना, बारहवीं क्लास में, और फिर खुद के खाते में, तो 50,000 का जुगाड़ तो है ना। अब जो लड़कियां पैदा आ रही है वो यूं लेके चलती है अपने खाते में 50,000, तो जैसे 21 के होंगे 50 तो आ जाएंगे, तो हो सकता है पहले वो उधार करके रखे, 21 के होंगे तब आपको चुका, क्योंकि तब मेरे खाते में कितने आएंगे, जैसे हमने मोदी जी की बात भी मान ली थी, मोदी जी ने कहा था खाते में कितने देंगे, तो हमने कर्जे कर लिए कि जिस दिन मोदी जी देंगे तब हम चुका दें, तो लाडो भी ऐसा सोच सकती है कि जिस दिन सरकार देगी तब मैं चुका, कितनी किस्तों में, सात किस्तों में, याद रह जाएंगे आपको सात किस्तें। पहले जो राजश्री योजना चलती थी वो भी इसमें शामिल कर ली गई, उस योजना में 6 किस्तों में कितने मिलते थे, 50। अब जी सातवीं बढ़ गई, सीधी वाली बढ़ गई अपने, ये राजश्री लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बेटी के जन्म पर कितने रुपए आपको, 1,00,000 रुपए।